नमस्कार दोस्तों, निर्मला की रसोई में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं शिप्रा आपके लिए एक नो यीस्ट नो ओवन पिज्जा की रेसिपी लेकर आई हूं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। ऐसी ही और रेसिपीज को जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए हम लोग अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हम लोग लेंगे 1 कप ऑल पर्पज फ्लोर मैदा। अब इसमें थोड़ी सी बीच में स्पेस बना लीजिए और 1/4 कप दही डाल दीजिए। इसमें हम डालेंगे इसके बाद 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर भी डालेंगे, प्लस इसके साथ 1 चम्मच शुगर भी पड़ेगा। नमक देखिए आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ 1 चम्मच ही यूज किया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमको एक स्टिकी डो तैयार कर लेना है। स्टिकी डो तैयार करने के बाद 1 चम्मच ऑयल डालिए इसमें और इसको गूंद करके एक सॉफ्ट और स्ट्रेची डो तैयार कर लीजिए। ऐसा होता है कि स्ट्रेची डो तब भी नहीं होता है, तो ऐसा करिएगा आपके हाथ में ऑयल लगा के इसको और गूंदते जाइएगा जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रेची रहे। अब इसको एक हल्के भींगे कपड़े से ढक दीजिए और 1 घंटे के लिए रख दीजिए। अब हम लोग अपने पनीर रेडी करेंगे, तो इसके लिए 3 चम्मच दही ले लीजिए, 3 चम्मच बेसन ले लीजिए। हमने 100 ग्राम पनीर पहले से ही मीडियम साइज क्यूब में काट के रख लिए थे और अब हम इसको इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। इसको देखिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं मीडियम साइज क्यूब्स को। और अब इसमें हम लोग डालेंगे लेमन जूस 1 टेबलस्पून। इससे क्या होता है कि एक टैंगी टेस्ट आता है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला डालिए। अच्छे कलर के लिए अब हम इसमें 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार सॉल्ट डाल दीजिए इसमें और 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पर अगर आपके पास कोई और ऑयल है तो वो भी डाल सकते हैं। इस मिक्सचर को स्लोली मिक्स करिए आप लोग। ध्यान रखिएगा कि स्लोली मिक्स करें ताकि जो क्यूब्स हैं वो सब टूट ना जाएं। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे स्वाद के लिए। मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए इनको। गैस पे हमने पैन गरम होने को रख दिया था। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको स्प्रेड कर लेंगे। अब इसमें मैरिनेटेड पनीर क्यूब्स ऐड कर देंगे। ये क्यूब्स मीडियम फ्लेम पे हम लोग फ्राई करते रहेंगे जब तक कि क्रिस्पी ना हो जाए, और ये हमारा पनीर क्यूब्स अब रेडी हो जाएगा। अब हम अपने होममेड ओवन की तैयारी करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई ले लीजिए, इसमें नमक फैला लीजिए। अगर आपके पास एक स्टैंड पहले से हो तो उसको यूज करिए, वरना मेरी तरह एक कटोरी यूज कर लीजिए। हाई फ्लेम पे इसको प्री हीट कर लेंगे। थाली से ढक करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपना पिज्जा बेस तैयार करेंगे। इसके लिए एक बोर्ड पे थोड़ा मैदा फैला लीजिए। हम डो लेंगे और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा डो कितना स्ट्रेची है, आपको भी इतना स्ट्रेची बनाना है। एक डो हमने ले लिया, इसे फैलाइएगा। तो फैलाने के लिए आप अपना हाथ यूज कर सकते हैं, हाथ से स्प्रेड कर सकते हैं थपथपाकर, या एक रोलिंग पिन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने एक थाली ले ली है, इसमें थोड़ा ऑयल डाल करके ग्रीस कर दीजिए। इससे पिज्जा निकालते टाइम पे इजीली डिटैच हो जाएगा। ये हमारा डो ले लिया है, इस पे हम अपने हाथों से ही इसको स्प्रेड कर देंगे, इजीली हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि क्रस्ट इजीली और इवनली स्प्रेड हो, कहीं ज्यादा मोटा ना हो ना ज्यादा कहीं पतला हो जाए। यहाँ हम इसके कॉर्नर्स पे भी थोड़ा ऑयल डाल देंगे ताकि वही इसका पर्पस है, निकालते समय हमारा पिज्जा इजीली डिटैच हो जाए। हमने चारों तरफ ऑयल इसमें स्प्रेड कर लिया है। अब इसके बाद हम अपना प्री प्रिपेयर्ड पिज्जा सॉस टॉपिंग की तरह यूज करेंगे।
पिज्जा सॉस का रेसिपी हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है, तो ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना ऊपर कार्ड्स में दिख रही होगी इसकी कोई वीडियो। अब इसे हम लोग मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। पहले से ही काटी हुई शिमला मिर्च लगा देंगे। इसे आप स्टाइल में इवनली स्प्रेड कर सकते हैं। और अब इसमें हम लोग अनियन भी ऐड कर रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी वेजीज डाल सकते हैं। यहाँ हमने कॉर्न डाल दिया है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। हमारी जो पनीर थी इसे हमने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है, हर जगह हमने इसको इवनली स्प्रेड किया है। ऊपर से और चीज़ इस पर स्प्रेड कर दीजिए। ये हमारा प्री हीटेड ओवन तैयार है, इसमें हम पिज्ज़ा ऐड कर देंगे और इसको ढक करके 10-12 मिनट के लिए हीट कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि थाली आपकी एकदम टाइट हो, उसके ऊपर कहीं से भी हीट एस्केप ना करे। और 10 मिनट के बाद आप ज़रूर चेक करिएगा कि आपका क्रस्ट ठीक से बेक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ना हुआ हो तो उसको थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट के लिए और रख दीजिएगा। अब ये देखिए हमारा पिज्ज़ा कितना डिलीशियस लग रहा है, इतना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है कि मैं इसको अभी खा जाऊँ। और इसमें से स्मेल भी काफ़ी अच्छी आ रही है। इसमें टॉपिंग्स करना बाकी है, इसमें थोड़ा ऑरिगैनो डाल दिया है हमने, ऊपर से रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे थोड़ी। अब इसमें हम थोड़ा सीजनिंग हर्ब्स ऊपर से डाल देंगे। इसके बाद ये हमारा पिज्ज़ा बन करके एकदम रेडी हो गया है। अब आप इसको काट सकते हैं, अगर आपके पास पिज्ज़ा कटर है तो बहुत अच्छी बात है, उससे काट के इसको खा सकते हैं, वरना आप एक सिंपल नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने नाइफ यूज़ किया है। ये देखिए हमारा पिज्ज़ा कितना ज़्यादा चीज़ी बना है। आप ये मत सोचिएगा कि अगर हमने नो यीस्ट नो ओवन पिज़्ज़ा बनाया है तो इसके टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि आपको ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा। एक बार आप हमारी रेसिपी से पिज़्ज़ा ट्राई करके देखिए, आप बाहर का पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझको बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।